क्योंकि बाइबल कहती है वो तो अपने आप में ज्योति नहीं था, पर वो ज्योति की गवाही देने के लिए आया। ज्योति की गवाही दे कि जो लोग अंधकार में भटक गए, अंधकार में चल रहे हैं, कैंडल लाइट जब आप मनाते हैं तो इसका अभिप्राय यही है कि प्रभु यीशु मसीह 2023 साल पहले मनुष्यों की जिंदगी से अंधकार भगाने के लिए आया, पर वो अपनों के बीच में आया और अपनों ने उसे ग्रहण किया। और जितनों ने उसे ग्रहण किया, जिन्होंने यीशु को पाया, जिन्होंने यीशु की ज्योति में चलने का निश्चय किया, उन्होंने ज्योति को पाया, परमेश्वर की आशीष। और कैंडल लाइट का मतलब यही है कि प्रभु यीशु मसीह ही वो ज्योति है, जिस ज्योति की बात हम कर रहे हैं वो ज्योति और कोई नहीं, प्रभु यीशु मसीह है। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति है, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा, परंतु वो करेगा जीवन की ज्योति पाएगा। जिस ज्योति का बखान मैं अब तक कर रहा, जिस कैंडल लाइट की बातें हम कर रहे हैं, कैंडल तो एक मोम है, उसमें एक धागा डाला जाता है, वो जल जाएगी, बुझ जाएगी, पर जो यीशु मसीह रूपी ज्योति है, अगर जिंदगी में एक बार वो जल जाए, फिर अंधकार का स्थान, फिर अपराध का स्थान नहीं रहता, फिर वो शैतान कार्यरत नहीं होता। इसलिए कहा, सच्ची ज्योति मैं हूँ, जीवन की ज्योति मैं हूँ, और जो उस ज्योति में चलेगा वो अंधकार में नहीं भटकेगा, वो अंधकार में नहीं चलेगा। मत्ती रचित सुसमाचार और अच्छी रीति से आपको मुझे बताता है कि क्या यहाँ मैंने बताया, प्रभु कहता है जगत की ज्योति है, लेकिन मत्ती के 8 के अध्याय और उसके 7 और 14 के पद में वो कहता है तुम्हें जगत की, मैं अब उत्पत्ति पे जाता हूँ, जिस कंपेरिजन की वजह से, जिस तुलना की वजह से मनुष्य अपराध में गिर गया, अंधकार में वो चला गया, प्रभु यीशु मसीह ने उस अंधकार को हटा करके आप प्रभु ने अपने तुल्य बना दिया। जिस तुलना की वजह से आदम और हवा गिर गए, उसी जगह आप और मुझे प्रभु यीशु मसीह ने खड़ा कर दिया है। कहता है मैं जगत का, जगत की ज्योति हूँ, लेकिन दूसरी तरफ वो कहता है तुम भी जगत की ज्योति। प्रभु यीशु मसीह है, उसने कहा अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, पर तुम्हें मित्र कहूंगा। और मित्र का मतलब बराबर का रिश्ता, बराबर का हक, बराबर का अधिकार। प्रभु यीशु मसीह ने आप और मुझे वो अधिकार दिया है और कहता है तुम भी जगत की ज्योति हो। प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति है, आप जितने उसके आप फॉलोवर है, अनुयायी है, आप और हम भी जगत की ज्योति है। लेकिन वहां पर कोई बत्ती जली नहीं, मसीह लोगों को ऐसे ही लोग देखते हैं दूर से, ये क्रिश्चियन है, ये यीशु मसीह की बात करते हैं, ये अच्छे स्कूल चलाने की बात करते हैं, ये अच्छे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट देने की बात करते हैं, इसलिए इनका जीवन अच्छा ही होगा। इसका मतलब क्या है, आपसे उनसे ज्यादा डिमांड है, आपसे मुझसे ज्यादा डिमांड है, क्योंकि हम अपने आप को अगर मसीह कहते हैं तो हम यीशु मसीह के समकक्ष हैं, तो हमें ऐसे घर के तुल्य बनना है जिसकी रोशनी दूर से दिखाई दे, ऐसे मसीह बनने की आवश्यकता। और दीपक को किसी हुई अकेले के लिए को जला करके नीचे नहीं रखते, पर हम ऊंचे पर रखते हैं, क्योंकि सारे घर में तभी वो उजाला लाएगा जब वो ऊंचाई पर होगा। इसका अभिप्राय क्या है, तो कभी कर्तव्य है कि हम भी समाज के लिए ऐसा दीपक बने कि हमारी गवाही आपसे पढ़ने वाला बच्चा दे, हमारी गवाही
ट्रीटमेंट पाने वाला कोई पेशेंट थे, आपके डिपार्टमेंट में आपके सहकर्मी ने, और जहां भी हम जाएं आपका चाल चरित्र व्यवहार उस ज्योति की गवाही दे, क्योंकि आप और हम बड़े जिम्मेदारी के काम को कर रहे हैं कि मसीह यीशु के सुसमाचार के प्रचारक के रूप में आप और मुझे जिम्मेदारी दी गई है। इसलिए लिखा है कि दीपक को